दुपारच्या बातम्यांमध्ये स्वागत. परिवहन मंत्री अनिल परब बोलत आहेत थेट प्रक्षेपण. आहे तो चर्चेतनं सुटू शकतो. आपण आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचा गळा दाबून मागण्या मान्य करून घेऊ शकत नाही. म्हणून तुम्ही कुठलंही आंदोलन केलं, त्या सगळ्या माझ्या भगिनी आहेत, मी त्यांचा काय अपमान करणार नाही, पण त्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून त्या भगिनींनी देखील विचार करावा अशी माझी आपल्यामार्फत त्यांना विनंती आहे. किती एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली, त्याचबरोबर बडतर्फ किती जणांना करण्यात आली? कालपर्यंत 2000 एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. आता हळूहळू कारवाई अजून कडक केली जाईल आणि ह्या कारवाईमध्ये ज्यांचं नुकसान होईल ते न भरून येणारं नुकसान होणार आहे. सदाभाऊ खोत देणार आहे का भरून? गोपीचंद पळणकर देणार आहेत का भरून? निलंबन करून दिवाळी त्यांची खराब केली सरकारने. दिवाळी खराब कोणाची केली नाही, त्यांनी प्रवाशांना वेटीला धरला दिवाळीच्या. याला जबाबदार गोपीचंद पडळकर, आणखीन सदाभाऊ खोत देखील आहेत. लोकांचा वेटीला ऐन सणाच्या वेळी त्यांना वेटीला धरणं, यांच्या संदर्भात काय कायदेशीर कारवाई? सगळ्या कारवाया होतील, हळूहळू आम्ही एक एक टप्प्याने पुढे जाऊ. आज बैठक होणार आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब बोलत होते. सगळ्यांना पुन्हा एकदा त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की कामावर रुजू व्हा. आत्तापर्यंत 2000 लोकांचं निलंबन, 2000 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन झालंय असं ते सांगत होते. तर भाजपचे नेते हाजी अराफत शेख हे बोलत आहेत. कोई भी किसी भी ट्रस्टी के बिगर किसी को भी भाडे पे दे ही नहीं दे सकता. उसमें 9 करोड़ का घपला करते हुए उन्होंने नवाब मलिक ने 30 साल की लीज पर उस मस्जिद की जगह को दे डाला. उस मीटिंग के अंदर 9 जो बोर्ड के अधिकारी होना चाहिए था वो एक भी अधिकारी नहीं था. उसमें एक बोर्ड का मेंबर वहां था जिसका नाम था खालिद बाबू कुरेशी. अब खालिद बाबू कुरेशी को जब समझा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये जगह हम इनलीगल नहीं दे सकते, ये मंत्री को पावर नहीं है, ये बोर्ड को पावर नहीं है, इसकी पूरी सब जांच होने के बाद ये कैबिनेट का निर्णय लेना पड़ेगा और ठहराव लाना पड़ेगा, जब जैसा उसको समझा उसने सेकेंड डे तुरंत नवाब मलिक को और मंत्रालय को और मंत्रालय की सेक्रेटरी को तुरंत एक मेल करा, सीईओ को एक मेल करा कि आप लोगों ने मुझसे गलत तरीके से ये साइन करवाई है, मैं इसके अंदर आपका साथ नहीं दूंगा और ये तुरंत इसको कैंसिल किया जाए. लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट मंत्री ने मुसलमानों की जमीन पे हाथ मारकर उसको ऑर्डर को पारित करके उस जमीन को लीज पर देने का काम कर दिया. अब दूसरी बात उन्होंने कर दी कि कल्याण के अंदर मजलिस मुशरीन उसके एक सर्वे सर्वाहे करते, उनको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 32 से ज्यादा कमिटी एक साथ उनके नाम कर दी और उसका जिम्मेदार उसको बना दिया. तो यह अधिकार नवाब मलिक जी आपको किसने दिया? फिर आया पूना का मामला. अब जब पूना के मामले के अंदर एक इसी तरीके का पूना जैसा 9 करोड़ का घपला देवेंद्र जी की सरकार के वक्त ऐसा ही मामला आया था, तो उस वक्त के ऊपर सीईओ पे, डिप्टी सीईओ पर और उस वक्त के वक्फ बोर्ड के वकील पर पटेल, उसके ऊपर एफआईआर हुई थी. वो आज भी फिर रहे. वही तरीके का मामला पूना में जब आया, जैसी पता चला कि 1-2 करोड़ रुपए ट्रस्ट से अकाउंट मलिक साहब के बड़े चाहने वाले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, ये पठान साहब ने तुरंत आके मलिक साहब को कहा, मंत्री महोदय पूना के लोगों को पता चल गया है, ये कैसा अब 9 करोड़ ट्रांसफर करेंगे, इसमें से 2 करोड़ रुपए अब किस तरीके से हम लेंगे? तो जैसी पता चला उन्होंने कहा कि तुरंत उस पैसे को वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. वही पैसा वापस में अकाउंट में ट्रांसफर होता है. फिर यही नवाब मलिक पूना के सीपी को फोन करते हैं और सीपी को फोन करके कहते हैं कि तुरंत उन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दो. लेकिन ये नहीं कहते कि जिसकी साइन हुई थी पठान की, सीओ की, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो. हमारी ईडी से यही मांग है कि उसकी सपोल चौकसी करो,
उसके CDR निकालो, किस किस लोग कहाँ कहाँ मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, किसके बोलने पे वो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर 2 करोड़ रुपए थे वो कौन था, किसका आदमी था, किसके जरिए बोल रहा था, और क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था उनकी भाषा के अंदर, ये मैं सरकार से और ED से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द फारूक, जब आप पठान के पास जब जाएंगे, CEO के पास जाएंगे, तो उसके धागे दोरे, ये 2 मोहरे, ये 2 जिन मंत्रालय में नवाब मलिक ने अपने प्यार से, अपने स्वर के लिए और अपने मुसलमानों की जमीनों को बेचने के लिए जो 2 भ्रष्ट अधिकारी को लाके किसी का परमिशन नहीं लिया और बिठाया, उसके ऊपर 100% नवाब मलिक की के एक ट्रस्ट के अंदर जब पैसे आए 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए जब जो संस्था के अंदर आए, और संस्था के अंदर जब पैसे आते हैं, जैसे कि कभी कोई रास्ते में जगह चली गई, कोई कोई गवर्नमेंट खाते में जगह चली गई, कलेक्टर विकास के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो जगह कोई भी किधर की वक्फ बोर्ड की जगह जाती है, तो वो पैसा तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में आता है और ट्रस्ट के अकाउंट में सारी जाती है। पर जब जो ट्रस्ट है उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे पहला जब तक के वक्फ बोर्ड के CEO, डिप्टी CEO और मंत्री जब तक के उसके परवानगी नहीं देते, तब तक के वो पैसा वहाँ नहीं जा सकता, उनके अकाउंट में नहीं जा सकता। ये वो पूरा मामला था जिस मामले के अंदर उनका एक बंदा उस मामले के अंदर इन्वॉल्व था, जिन्होंने कहा कि नवाब मलिक साहब इस मामले के अंदर हमारे अकाउंट में आप ये पैसे ट्रांसफ़र करो, जिसके अवेज में हम 2 करोड़ रुपये नवाब मलिक को देंगे, ये बात हुई थी। तो उसी तरीके से पूरा प्लानिंग बराबर हुआ, पर 2 करोड़ रुपए आने के बाद जब पूना के कुछ जो लोग थे वक्फ बोर्ड पे जिनका ध्यान था, जो जागरूक लोग थे, मुंबई के कुछ जागरूक लोग थे, जिन लोगों ने जो इस बात को जैसे ही आवाज़ उठी, बवाल जैसा हुआ, तो तुरंत डिप्टी CEO और CEO नवाब मलिक से जाके मिलते हैं और उनको कहते हैं कि मामला बाहर चला गया, ये मामला मीडिया में चला गया, ये मामला लोगों तक चला गया। तुरंत नवाब मलिक हुशार मलिक है, और ये हुशार मलिक ने तुरंत कहा कि वो पैसे तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसफ़र जैसी पैसे होते, उसके बाद यही मंत्री पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हुशारी से फ़ोन करते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये किया है उसके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करो। इधर एक छोटा सा ब्रेक, लगेज भेटो, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।